सुराणा की प्रणाम। कर्ण दूषिवारण के संचालन के नाते मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और एक नया विषय लेकर आया हूँ। अभी मैं मेटेरिया मेडिका अच्छी तरह से पढ़ रहा था, देख रहा था, उसके अंदर डिफ्थीरिया की एक दवाई का नाम है डिफ्थीरिनम। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में उसका उपयोग बहुत बढ़िया से होता है, बखूबी होता है। उसके इस रोग के, डिफ्थीरिया रोग के टोटल लक्षण कोरोना के जैसे ही है, टोटल वही है। और सारी की सारी ट्रीटमेंट जो है संसार के अंदर सिम्टोमेटिक होती है, रोग के नाम पर नहीं होती है। रोग के नाम पर ट्रीटमेंट करते हैं तो उलझ जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। यदि सिम्टोमेटिक जाया जाए तो टोटल डिफ्थीरिया के अंदर जो जो लक्षण है वो के वो लक्षण कोरोना या कोविड-19 में के अंदर है। प्रश्न ये खड़ा है कि आप उसका उपयोग कैसे करें। संसार भर के अंदर डिफ्थीरिया रोग की चिकित्सा बहुत फेमस है, पहले से थी, अब भी है, तो लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया। मेरा ध्यान इसलिए इस तरफ गया है कि इसके अंदर होम्योपैथी ढंग से जो दवाइयाँ दी जाती है डिफ्थीरिनम, वो हायर पोटेंसी के अंदर दी जाए तो वो नुकसान के बिना वो टीके से भी ज़्यादा तेज फास्ट काम कर सकती है। ये प्रयोग सबके लिए नहीं है, ये वीडियो मात्र संसार के जितने भी हेल्थ मिनिस्टर्स हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए हैं, खास करके होम्योपैथ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि छटपटाएं नहीं, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें डिफ्थीरिया और डिफ्थीरिनम के ऊपर ज़्यादा काम करना है। ये विश्व के लिए बड़ा चैलेंज का सब्जेक्ट है। इसमें नाम कमाने की, जस कमाने की बिल्कुल भी लालसा किए बिना मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि डिफ्थीरिनम सीएम का उपयोग यदि एक दो बार किया जाए तो डिफ्थीरिया तो रोग है ही संसार के अंदर जो बिल्कुल कोरोना जैसा है, और कोरोना का भी यदि होगा तो अच्छा प्रयोग हो सकता है। ट्राई करें, लेब में टेस्ट करें, प्रयोग करके आप दुनिया को बताएं और संसार को इस रोग से बचाएं। मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, आगे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको फॉरवर्ड करें, बताएं, होम्योपैथी डिपार्टमेंट में, होम्योपैथी की दुनिया में फैलाएं, क्योंकि होम्योपैथ आजकल चुप बैठे हुए हैं, कोई भी दवाई नहीं बताना चाहते हैं, मानो उनको सांप सूंघ गया है या उनकी सुन नहीं रहे हैं। जबकि होम्योपैथी को सरकार ने मान्यता प्रदान की हुई है, सिद्धांत सही है, सारे के सारे एंटीडोज परफेक्ट है, और ये एंटीडोज भी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाएगा और विश्व से महामारी को बिल्कुल मुफ्त के भाव में बचा सकेगा बिना साइड इफेक्ट के। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, गलतियों तो क्षमा करें, और मेरी अप्रोच में सब लोग नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, सभी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और इंडिया के सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कृपा करके इसको देखें, समझें, और मुझसे जो पूछना चाहें पूछें कि एंटीडोज के इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कुछ बूंदें यदि जीभ पर डाली जाए तो उसका प्रभाव होने लगता है और रोगी को रोग के मुंह से बचाया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। पर साइड में यदि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके अंदर सिम्टोमेटिक दवाइयां भी देनी चाहिए। होम्योपैथी के अंदर है, इसके अंदर टैरेंटुला का मैं बता ही चुका हूँ पहले प्रयोग, और अब मैं फिर से इसके अंदर आपको इस वायरस की दवाई, यही दवाई है ऐसा मेरा मानना है। आप लोग बिना प्रयोग के कोई भी प्रयोग ना करें, और सच एंड सिविलियर यदि कोई ट्रीटमेंट करवानी है तो अपने डॉक्टर की देखरेख में आगे बढ़ें। प्रवीण सुराणा की प्रणाम।